अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अदील भाई से मिले, बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छी गैदरिंग थी। और आई थिंक जो वो मोटिवेट कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। और आई थिंक हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अदील एहसान भाई से खुद भी फर्दन उनके ग्रुप में जो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है पुर्तगाल वाला, उसको ज्वाइन करें और उनसे फर्दन अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फील हुआ वो फैसलाबाद में अलमायदा में हमें मिले और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुर्तगाल के हवाले से शेयर किए। और नहायत ईजी है ये सफ़र करना अगर हम लीगल तरीके से करें, ना कि किसी फ्रॉड से हमेशा बचने की कोशिश करें। जज़ाकअल्लाह एहसान भाई, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अलमायदा फैसलाबाद में कॉर्नर सिटी में। आज अल्हम्दुलिल्लाह एहसान भाई अदील भाई इधर तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, पुर्तगाल से। हमें बड़ी खुशी हुई और हम उनको पाकिस्तान में आने पे वेलकम भी करते हैं। और आज का जो उनका बेसिक सेशन था वो तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वीज़ा के लिहाज से, ठीक है, D2, D7 और विजिट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा के वाले थे। जितने भी यहाँ पे मेहमान दूसरे शहरों से आए हैं उन्होंने यहाँ पर आके जो है वो बहुत अच्छे सवालात किए हैं, जिनका जवाब जो है वो अदील एहसान भाई ने जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से दिया है। और हमें मुकम्मल तौर पे हर चीज़ की गाइडेंस दी है कि यहाँ पे आके पुर्तगाल में किस तरह आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है और किस तरह आपको वीज़ा जो है यहाँ से आप अप्लाई करके गेन कर सकते हैं, और वीज़ा की कैटेगरीज कौन कौन सी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे जाके आपने फाइल लॉक करते वगैरह करवानी है। तो आज हम बहुत ही खुश हैं कि अदील भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और हमें उन्होंने हर तरीके से जो जो हमारे सवाल थे उनसे हमें आगाह किया और उनके जवाब भी हमें दिए। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम उम्मीद करेंगे जब भी अदील भाई फैसलाबाद आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो फैसलाबाद का दोबारा ज़रूर विजिट करेंगे और हमें अपनी बातों से भी ज़रूर इस्तफादा हासिल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और जो काफ़ी चीज़ें हमसे हिडन थी वो सर से मिलने के बाद जो है ना उन सारी चीज़ों का पता चल गया और उसमें काफ़ी नॉलेज मिली। इंशाल्लाह समझ यही रहे हैं कि आइंदा हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी सही तो सर से रब्ता करके किसी न किसी तरीके से उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि काफ़ी नॉलेज मिली हमें इस चीज़ से। आज हमें अदील एहसान साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें बहुत नॉलेज मिला है। ऐसा नॉलेज मिला है कि आज तक हमें नहीं सुना कि जो यूट्यूब पर मिलता है ऐसा आजकल बहुत मुश्किल होता है। तो जो भाई हमें आज अदील नासिर भाई ने दिया है वो बहुत अच्छा है। तो हमारा ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे जो आज सॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हम वीज़ा प्रोसेस करने में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह।